हेलो एंड वेलकम टू हमारी आपकी रसोई से। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी उत्तराखंड की एक दाल की रेसिपी, कुलत की दाल। इसे गहत की दाल के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में इसे हॉर्स क्रैम कहते हैं। इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी काफ़ी हैं, स्पेशली स्टोन्स की प्रॉब्लम के लिए इसका यूज़ एज मेडिसिन भी करते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। कुलत की दाल कुछ इस तरह की लाइट ब्राउन कलर की थोड़ा फ्लैट सी दाल होती है। ये मैंने 1 कप कुलत की दाल को अच्छी तरह से वॉश करके ओवरनाइट सोक कर लिया है। साथ ही ये मैंने 50 ग्राम साबुत उड़द भी सोक कर ली थी। आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। मैंने इसलिए इसमें डालकर बनाती हूँ क्योंकि इससे दाल को एक अच्छी टेक्सचर मिल जाता है। इन दोनों दालों को एक प्रेशर कुकर में ले लेंगे। इसका पानी फेंकेंगे नहीं, जो सोक के समय जो हमने पानी लिया हुआ था वो हम साथ में ही लेंगे। ये बहुत फायदे का होता है। किडनी स्टोन्स के लिए इसका पानी ही एज ट्रीटमेंट दिया जाता है। साथ ही इसमें 2 कप पानी और ऐड कर देंगे। ये 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं, ये भी इनको ऐसे मैंने हाफ करके इसमें डाल देंगे। ये 5 लौंग हैं, इन्हें मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है। ये 8 लहसुन की कलियां हैं, इन्हें भी क्रश कर लिया है। इसमें लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब इसे बॉईल करने रख देंगे और फर्स्ट विसल आने के बाद 15 मिनट तक सिम गैस पर कुक होने देंगे। इस दाल को पकने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। ये देखिए हमारी दाल कुक हो गई है, ये अच्छे से गल गई है। अब हमें इसे घोटने के लिए, एक तो ये इसके टमाटर जो हैं वो अलग निकाल लेंगे इसका छिलका उतारने के लिए, और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम एक अलग बोल में ले लेंगे। अब कलछी की हेल्प से इसको जरा हम घोट लेंगे, क्योंकि अगर ये हम घोटेंगे नहीं तो पानी अलग दाल अलग रहेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट में। बस हल्का सा घोट लेंगे इसको। ये देखिए ये हमने दाल घोट ली है। ये पानी में जो टमाटर के छिलके हैं ये ऊपर आ जाते हैं, इन्हें हम इस तरह से निकाल के डिस्कार्ड कर देंगे। दाल का पानी वापस दाल में डाल देंगे। अब बारी आती है तड़का लगाने की। इसके लिए हम एक पैन लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून सरसों का तेल लेंगे। मैं यहाँ सरसों का तेल ले रही हूँ, आप चाहे तो घी या ऑयल कुछ भी ले सकते हैं। सरसों का तेल स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म हो गया है, अब गैस बंद कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसे जरा सा, कुछ सेकंड्स के लिए जरा सा ठंडा होने देंगे ताकि इसमें मसाले जले नहीं। इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया, इसे मैंने हल्का सा दरदरा कर लिया है, 1 टीस्पून चखिया, ये यहाँ का स्पेशल मसाला है, ये यहाँ की रेसिपीज में काफी यूज होता है। देखिए मैं आपको दिखाना भूल गई थी, ये कुछ इस तरह से दिखता है, थोड़ा राई की तरह से। अगर ये आपको अवेलेबल हो तो आप डालें, नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं। अब गैस ऑन करके इन सभी मसालों को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। मसाले गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब इसमें ऐड करेंगे 2 साबुत लाल मिर्च, 2 चुटकी हींग और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ये कुछ लहसुन के पत्ते हैं, इन्हें मैंने फाइनली चॉप कर दिया है। ये यहाँ तो इजीली अवेलेबल होते हैं उत्तराखंड में, अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप इसकी जगह 2-3 लहसुन की कलियां क्रश करके डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हमारा तड़का तैयार है, अब इसमें ऐड करेंगे हम हमारी उबली हुई दाल।
अब इसे कवर करके हम 5 मिनट तक पकने देंगे ताकि सब मसालों का स्वाद इसमें इन्फ्यूज़ हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं, इसे चेक कर लेते हैं। आहा, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। देखिए हमारी दाल भी बिल्कुल बन के एकदम अच्छे से तैयार है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, इसे मैंने थोड़ा सा पानी में घोल लिया है। इसे मिक्स कर देंगे। साथ ही ऐड करेंगे 1 नींबू का रस, इसका टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आता है। तो इसे अब सर्व करते हैं, ट्रेडिशनल चीज है तो ट्रेडिशनल, तो आइए इसे अब सर्व करते हैं। ट्रेडिशनल चीज है तो ट्रेडिशनल स्टाइल में मिट्टी के बर्तन में सर्व करते हैं। आप चाहे तो किसी भी डोंगे में, किसी में भी सर्व कर सकते हैं। गार्निश करेंगे हरे धनिए से। इसे आप गर्मा गर्म रोटी, चावल, किसी चीज के साथ भी खा सकते हैं। तो अब आप भी इसे जरूर से बनाएं, क्योंकि ये बहुत सारे गुणों से भरपूर है और टेस्ट में भी लाजवाब है। इसे बनाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।